अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिन्होंने स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए एनरोल किया है। आप सभी को एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस पीडीएफ में काफ़ी सारे स्टेप्स दिए गए हैं कि आपने अपने आप को रजिस्टर कैसे करवाना है इन ABC, दैट इज़ अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में। सबसे पहले आपको डिजी लॉकर में साइन इन करना पड़ेगा। आप साइन इन कर सकते हैं थ्रू मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और यूज़र नेम। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन के थ्रू भी अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डिजी लॉकर की पिन नहीं याद तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके एक OTP के थ्रू अपनी पिन को चेंज कर सकते हैं। डिजी लॉकर पे साइन इन करने के बाद, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, PDF के सेकंड पेज पे एक लिंक प्रोवाइड किया गया है abc.government.in। आपको वहाँ पे लॉगिन करना है एज अ स्टूडेंट और अपने आप को साइन इन करवाना है थ्रू डिजी लॉकर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब हम साइन इन करते हैं उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आता है। उस OTP को एंटर करने के बाद आप वेरीफाइड हो जाते हैं और आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आप डिजी लॉकर में दोबारा जाएं। वहाँ पर नीचे सर्च की ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन कर कैटेगरीज के अंदर एजुकेशन ऑप्शन में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आपका एक ID कार्ड आ जाएगा। वहाँ पर आप गेट डॉक्यूमेंट्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ID कार्ड इशू हो जाएगा। अगर आपको माई इशू डॉक्यूमेंट्स में अपना ID कार्ड ना दिखे तो प्लीज़ एक बार रिफ्रेश करें। आप अपने ID कार्ड का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं। PDF के अंदर आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको दो गूगल फॉर्म के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। अगर आपने ये कोर्स पहले भी किया है तो आप दोनों गूगल फॉर्म भरेंगे। अगर आपने इसी बार ये एनरोल किया है तो आप जुलाई 2022 वाला भरेंगे। इस फॉर्म में आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि अपनी स्टूडेंट ID, अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर, अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, प्रोग्राम इन विच यू एनरोल्ड, कॉलेज नेम एंड ABC ID। आप अपनी ABC ID डिजी लॉकर में माई इशूड डॉक्यूमेंट्स में जाकर भी देख सकते हैं और इस फॉर्म में फिल कर सकते हैं। अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें और अपनी रजिस्ट्रेशन को पूरा करें। थैंक यू।